एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल रहेगा, या फिर हम लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है या एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा डिटेल जाके पढ़ना है, या फिर आप लोगों को जो एनटीए ने अभी रेशनलाइज एनसीईआरटी रिलीज की है, क्या हम लोगों को वो डिलेटेड चैप्टर्स भी पढ़ने हैं या उन डिलेटेड चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? इन सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा सेम चैनल पे। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज वेल एज आप पैरामेडिकल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस चैनल पे आप लोगों को सभी ऑथेंटिक रिसोर्सेस प्लस सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस मिलने वाली है। उसके साथ साथ आप लोगों को बायो के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। आज से ही हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग हर दिन 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिन क्वेश्चन में से 80% डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रही है। लास्ट 2023, 22, 21 इन ईयर्स में भी हम लोगों ने यही सेम सीरीज रन करता है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को डायरेक्ट एग्जाम में मिले थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को टोटल 10 बायो के मॉक टेस्ट सॉल्व कराने वाली हूँ। इफ यू वांट कि मैम हम लोगों को बायो के अलावा फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए, तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी विद पीडीएफ ऑल्सो विद प्रॉपर सोल्यूशन। सो इफ यू वॉन्ट आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के सेशन में मैं अपना फर्स्ट गिव अवे भी करने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को मिल सकते हैं ओसवाल की फ्री हैंडबुक। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट, आप लोगों को फ्री बुक्स यहाँ से मिल सकती है। कैसे आप लोगों को बुक्स मिलेगी ये मैं आप लोगों को जस्ट अभी समझाती हूँ, बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो बच्चों, ये होने वाला है मेरा फर्स्ट गिव अवे, जिसमें आप लोगों को ये हैंडबुक्स मिलने वाली है। इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो मिलेगा, 11th एंड 12th का दोनों पोर्शन इसके अंदर होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बुक्स दिखा भी देती हूँ, जैसे कि एज यू कैन सी ये मेरे पास यहाँ पे फिजिक्स का बुक है। अगर मैं इस बुक को देखूँ तो बच्चों इसके अंदर 11th एंड 12th के सारे के सारे चैप्टर्स है। एंड अब ये मत सोचना मैम ये बुक तो नीट के लिए होगी, नहीं, ये बुक आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, सीयूटी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 11th एंड 12th का जो स्पेसिफाई सिलेबस आप लोगों को पढ़ना होता है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें आप लोगों को इसके अलावा कुछ फ्लैश कार्ड्स भी मिलने वाले हैं, जो कि आप लोगों को मैं इसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। एज यू कैन सी हियर, आप लोगों को यहाँ पे ऐसे माइंड मैप्स मिलने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हर एक चैप्टर के आप लोगों को। जैसे ये हमारे पास फिजिक्स का बुक है, ऐसे ही मेरे पास ये बायो का बुक है, इसी में भी आप लोगों का केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉरी बायो का 11th एंड 12th सारे के सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं विद माइंड मैप्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक शॉर्ट नोट्स को नहीं पढ़ा है तो आप इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं ये आप लोगों का केमिस्ट्री के लिए। तो ये तीनों की तीनों बुक्स मिलने वाली है मेरे फर्स्ट गिव अवे में, जिसका अनाउंसमेंट मैं संडे में करने वाली हूँ। आज संडे है, नेक्स्ट संडे में जिसका अनाउंसमेंट होगा। आप समझ लेते हैं कि ये गिव अवे के लिए मैं विनर कैसे डिसाइड करना है। तो बहुत सिंपल, आप लोगों को क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना है, एज वेल एज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को मुझे फॉलो करना है, एंड मुझे अपनी स्टोरी पे टैग करना है मेरे पेज को। जो ये वीडियो देख रहे हो आप लोग गिव अवे वाला, इस वीडियो का लिंक डाल के वहां पे आपको टैग करना है, एज वेल एज अपने 10 फ्रेंड्स को भी बोलना है सेम चीज करने के लिए। तो जो सबसे पहले इस चीज को फिनिश करेगा, स्टोरी में टैग करेगा प्लस 10 ऑफ योर फ्रेंड्स को बोलेगा स्टोरी को वापस रिपोस्ट करने के लिए, देन वही होगा मेरा फर्स्ट विनर, एंड उसको ये डायरेक्ट बुक्स उसके घर पे बैठे बैठे मिल जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो करो एंड टैग करो, विल सी यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर लो, विल ट्राई कि हम लोग आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इन क्वेश्चन बेस्ड हम लोग टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ के चले, ठीक है। चल
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन दिया, इस बार आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि हमारे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज मेरी लास्ट वीडियोस में बहुत सारे बच्चों ने मुझे डीएम किया कि मैम प्लीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो बट हिंदी में ज़रूर करना। तो बच्चा हिंदी में करना इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट मैंने क्या किया आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दिया। मैं इंग्लिश में रीड करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग ट्राई करना उसको हिंदी वाले बच्चे समझने की कोशिश करना, ठीक है। जहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा मेरा टेलीग्राम चैनल कंप्लीटली ओपन है, कोई भी वहां पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा हुआ है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अब हमको पता है सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास जो पेयरिंग होती है ये वाला प्रोसेस हमारा किसके अंदर मिलता है, ये प्रोसेस हमारा मिलता है सिर्फ और सिर्फ मियोसिस वन के अंदर। तो मियोसिस वन की जो हमारी प्रोफेज वन होती है, मियोसिस वन की प्रोफेज वन के अंदर कुछ सब फेजेस आती हैं जिनको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं लीजा, जरा, पानी, दे, दो। रिकैप करो जल्दी से, लीजा एल4 लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पी पेकाइटीन, D4 डिप्लोटीन एंड D4 डाइकाइनेसिस। ऐसे आपको याद रखना है। तो इस सीरीज में अगर हम लेप्टोटीन के बारे में देखें तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, लेप्टोटीन के अंदर आपका कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, एंड जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है आपका जितने भी आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब यहाँ पे होते हैं आपके क्या, दो सिस्टर क्रोमैटिड, लाइक होता है ना दो होमोलोगस क्रोमोसोम से बिल्कुल सेम सेम एक दूसरे से मैच कर रहा है, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। कुछ यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर होमोलोगस, उसमें आप लोगों को स्पेसिफाई करके चलना है ये चीज, ठीक है। तो किस स्टेज के अंदर पेयरिंग होता है, तो Z4 जाइगोटीन, जाइगोटीन जाइगोट याद रखना है, जाइगोट जाइगोट क्या होता है, जाइगोट आपके दो गैमेट्स के फ्यूजन से मिलके बनता है। तो ऐसे हमको याद रखना पेयरिंग, पेयरिंग में भी क्या हो रहा है कहीं ना कहीं पे फ्यूजन हो रहा है, किसका, हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, सिर्फ पेयरिंग होती है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर इससे नेक्स्ट स्टेज में होता है विच इज योर पेकाइटीन, पेकाइटीन के अंदर हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग होगी एंड फिर आपका एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज योर काइजमेटा, उनके दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज योर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आई थिंक सब बच्चों को मिल चुका है, द करेक्ट आंसर इज जाइगोटिन। एंड डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आएगा आप लोग सेम क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1-2 मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं एज वेल एज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये चीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोस्टाइली इज एन आउट ब्रीडिंग डिवाइस एडॉप्टेड बाई सम प्लांट, इट इज अ टाइप ऑफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। मतलब प्लांट को बोलते हैं कि आप सेल्फ पॉलिनेशन मत करो, क्यों, क्योंकि सेल्फ बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है सिर्फ और सिर्फ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से आता है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। तो किस ऑप्शन में लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने, देखो फर्स्ट में लिखता है पॉलिनेशन मेथड है कॉल्ड क्लाइस्टोगैमी। क्लाइस्टोगैमी क्या होता है आप लोगों को पता है, क्लाइस्टोगैमी इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों को पता है हम फ्लावर्स बोलते हैं क्लाइस्टोगैमस फ्लावर, वो फ्लावर जो हमेशा क्या रहते हैं क्लोज रहते हैं, अब ये हमेशा क्लोज्ड है पूरी तरीके से बंद है, तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आ सकता है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। तो दे विल ऑलवेज शो सेल्फ पॉलिनेशन, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएंगे, लेकिन हेट्रोस्टाइली में हमको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ये एक मॉर्फोलॉजिकल मेथड है, मतलब एक ऐसा मेथड है जिसको हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। कैसे मॉर्फोलॉजिकल है, अब हेट्रोस्टाइली क्या होता है, हेट्रोस्टाइली के अंदर आपका जो एंथर होता है एंड स्टिग्मा, इन दोनों की जो पोजीशंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब दोनों की लोकेशंस जो होती है वो डिफर करती है। इनकी लोकेशन हमने इस टाइप से कुछ बना दिया गया है कि आपका एंथर जैसे मेच्योर उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकले तो डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर ना गिरे, ठीक है। स्टिग्मा से छोटा एंथर बना दिया, इसको कुछ अलग साइड से अटैच करा दिया, ऐसा कुछ कराया, दिस मेथड इज नोन एज हेट्रो डिफरेंट स्टाइली लोकेशन, डिफरेंट स्टाइल।
तो ये मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन में तो होता है फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जिसके अंदर स्टिग्मा ये चीज मीजर करता है कि जो आने वाला पॉलन ग्रेन है वो उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मेथड हेटरोस्टाइली नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, मेरे को जल्दी से बता दो क्रेब्स साइकिल की लोकेशन। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद करने के लिए मैंने बच्चों को एक बहुत अच्छी ट्रिक सिखाई हुई है। इफ यू वॉन्ट मैं आप लोगों को भी बहुत सुंदर सी एक ट्रिक बताती हूँ। देखो जरा, अब मैं आप लोगों को पूरी क्रेब साइकिल लर्न करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से चांसेस है एक ना एक क्वेश्चन आ ही सकता है। एम्स नर्सिंग में नहीं आएगा तो नीट में तो आएगा ही आएगा। तो क्रेब साइकिल की सिंपली आप लोगों को सबसे पहले एक ट्रिक याद रखनी है, अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आपको क्या करना है, एक सिटी को साइलेंट रखना है। तो ए मतलब एसिटाइल कोए, सिट्रिक सिट्रिक एसिड, सिटी सिट्रिक एसिड, ठीक है, इज आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट केप्ट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। बच्चों थोड़ा राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड साइलेंट सक्सेस। देखो साइलेंट के लिए दो चीजें आएंगी, यहाँ पे दो प्रोडक्ट आएंगे, तो हमको सबसे पहले ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले आता है क्या, आपका एंजाइम आएगा ना पहले, एंजाइम से प्रोडक्ट बनेगा, तो सक्सिनाइल कोई, देन आपका बनेगा सक्सिनेट फॉर फ्यूमरेट मिलिट्री मैलेट ऑपरेशन ऑक्सालो एसिटेट। अब आप खुद बताओ, ये एक साइकिल है ना, तो साइकिल में क्या होता है, आपका इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं, मतलब मर्ज होता है, तो हमने इनको क्या करा दिया, मर्ज करा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप किस साइकिल ड्रॉ करते हैं, एसिटाइल कोए आया है आपका, एसिटाइल कोए इट रिएक्ट विद ऑक्सालो एसिटेट एंड इट विल फॉर्म सिटी, सिटी व्हाट, सिट्रिक। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, थोड़ा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनेगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सबसे पहले एंजाइम आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा सक्सिनाइल कोए, देन सक्सिनेट, ठीक है, एंड सक्सिनेट के बाद आपका फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद मैलेट एंड देन आएगा आपका ऑक्सालो एसिटेट। तो साइकिल तो ड्रॉ करनी सबको आ गया ना, मैं इसको थोड़ा सा साइड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो अब प्रॉपरली विजिबल है, समझ आया। अब हमको याद रखना है यहाँ पे किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं इस टाइप से। तो अब हमें याद रखना है ऑक्सालो एसिटेट एक फोर कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोए टू कार्बन, तो फोर और टू मिलके कितना बनाता है, सिक्स कार्बन कंपाउंड। आइसोसिट्रेट भी सिक्स कार्बन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट फाइव कार्बन, सक्सिनाइल कोए क्योंकि हमको अब वहां पे कार्बन रिड्यूस करते जाना है, फोर तक आना है, तो फोर आ गया, अब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे। अब आप खुद देख रहे हो सिक्स से फाइव हुआ, मतलब एक कार्बन का लॉस हुआ। कार्बन लॉस किस फॉर्म में होता है, कार्बन लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। यहाँ पे भी एक कार्बन लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो इसका मतलब हमको समझ में आया दो CO2 यहाँ पे रिलीज हो रहा है, कौन कौन से स्टेप पे हो रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है कि जब ये CO2 निकल के जाता है, अकेले नहीं निकल के जाता, अपने साथ एनर्जी लेके जाता है, और एनर्जी किस फॉर्म में ये रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ NaDH2। तो एक NaDH2 इधर निकलेगा, एक NaDH2 इधर निकलेगा, याद हो गए हमको, दो सक्सेसिव स्टेप्स पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट दोनों के दोनों सेम सेम है, एटीपी की ही जुड़वा बहन है जीटीपी। एटीपी इज व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी इज व्हाट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एटीपी की जुड़वा बहन निकलती है, विच इज योर जीटीपी, जीटीपी जो जीडीपी से बनती है। अब यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन अपनी फॉर्म में निकलेगी, फॉर्म फ्यूमरेट। तो उसकी एनर्जी की फॉर्म कौन सी है, F की फॉर्म वाली FADH2। मैलेट में
कुछ एनर्जी नहीं निकलेगी, लेकिन जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो यहाँ पे भी आपके एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो अब आप खुद बताओ एक सिंगल टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में कितना एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, 3 NADH2 + 1 FADH2 + 1 GTP, हुआ नहीं हुआ? एंड हमको पता है एसिटाइल कोए के कितने कंपाउंड होते हैं हमारे पास, दो कंपाउंड होते हैं, तो दो के लिए मल्टीप्लाई बाई टू कर देना, हो गया सिंपल, क्लियर। अब जरा आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे, देखो अब बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद से कर सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल, एक क्रेब साइकिल के टर्न में एक मॉलिक्यूल FADH2 का प्रोड्यूस होता है, एग्जैक्टली तीन मॉलिक्यूल NADH+ आर ऑक्सीडाइज्ड टू, नहीं भाई NAD पॉजिटिव से रिड्यूस होके NADH2 बने थे, तीन मॉलिक्यूल नहीं, वन मॉलिक्यूल ऑफ नहीं, तो करेक्ट आंसर इज वन विदाउट एनी डाउट। यहां तक हमको ये चीज समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो नीचे ही समझते रहना, बिकॉज मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्या है इसका, यूरासिल, दे आर सेइंग यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, एग्जैक्टली आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आरएनए इज प्रेजेंट इन यूरासिल एट द प्लेस ऑफ गुआनिन, नहीं एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ये होता है भाई, गलत लिखते हो आप लोग, हमको करेक्ट, इन द बैकबोन ऑफ डीएनए, क्या नाइट्रोजनस बेस आउटसाइड होते हैं, नहीं ये इनसाइड प्रोजेक्ट होते हैं, डीएनए इज ऑलवेज कॉइल्ड, नहीं राइट हैंडेड फैशन में होता है, टू चेन्स ऑफ डीएनए एंटी पैरेलल, एग्जैक्टली 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसे आपका होता है, सो द करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनी के बारे में बात कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर प्रपोज्ड बाय लीनियस, क्या ये लीनियस के थ्रू दिया गया था, जी नहीं ये लीनियस के थ्रू नहीं दिया गया था, ये एंगलर एंड प्रेंटर साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था, सो स्टेटमेंट ए जो है हमारा वो है आपका फॉल्स, हम क्या बताने, करेक्ट बताने, यूडोरिना शो एन आइसोगैमी, एग्जैक्टली इसके अंदर एन आइसोगैमी ही पाया जाता है, दिस इज ट्रू, लेमिनेरिया, लेमिनेरिन क्या है, लेमिनेरिन इज अ स्टोर्ड फूड, लेमिनेरियन एंड मेनिटॉल किसका, ब्राउन एल्गी का, दिस इज अगेन ट्रू, हेप्लोंटिक लाइफ साइकिल इज प्रीवेलेंट इन मियोसिस, क्या मियोसिस के अंदर हेप्लोंटिक नहीं, इसके अंदर आपकी हेप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, तो कितने स्टेटमेंट सही हुए हमारे, 1 और 2, सो द करेक्ट आंसर इज 3, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी सेम आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट, इन द फंक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव, द फंक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पिरेशन, अब हमको पता है ये NAD पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस होके NADH प्लस H पॉजिटिव बनाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे वर्क कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क कर रहा है ना, रिडक्शन करा रहा है बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, सो इट विल वर्क एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये यहाँ पे एंजाइम नहीं है, को एंजाइम की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है ये, ठीक है, एडिशन कराता है टू प्रोड्यूस ATP, सो द करेक्ट आंसर इज 1, क्लियर। नेक्स्ट, मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब M फॉर मोर्टैलिटी, M फॉर मरना, तो मरना इज डेथ रेट, तो यहाँ पे हमको बताते हैं मोर्टैलिटी क्या होता है, मोर्टैलिटी इज डेथ रेट, बर्थ रेट आपको पता है, बर्थ रेट को हम बोलते हैं नेटैलिटी, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीविंग अ हैबिटेट, एक हैबिटेट को छोड़ के अगर इंडिविजुअल चले गए हैं इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक हैबिटेट में एंटर कर रहे हैं, दिस इज इमिग्रेशन, दिस इज इमिग्रेशन, ठीक है, क्लियर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर विद रिस्पेक्ट टू टेरिडोफाइट, प्लांट किंगडम का चैप्टर है, प्लांट किंगडम के अंदर आपका टेरिडोफाइटा के बाद में जो क्लासेस दिया हुआ है जिनका डिटेल हम कभी नहीं पढ़ते, साइलोसाइटम, साइलोप्सिडा, सेलेजिनेला, स्वेनोप्सिडा, नहीं ये लाइकोप्सिडा का है, हमको मिसमैच बताना था, मिसमैच इज दिस वन ओनली, क्लियर। देखो आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस आर आइडेंटिफाइड यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोब विच आर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्या यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो बताना आंसर क्या हुआ, टेंडम रिपीट्स, सो द करेक्ट आंसर इज 1, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स व्हिच इज VNTR। क्वेश्चन नंबर 10,
इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर एनर्जी बायोमास अपराइट होता है, एक्सेप्ट एक ऐसा पिरामिड है जो कि आपका इन्वर्टेड होता है, किसका? आपका समुद्र का, सी का, जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है। क्यों इन्वर्टेड होता है ये? बिकॉज जो आपका समुद्र होता है उसके अंदर खाने वाले छोटे छोटे कीटाणु ज्यादा होते हैं, जू प्लांक्टोन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द फाइटो प्लांक्टोन, क्योंकि हम सबसे लोअर लेवल पे प्रोड्यूसर्स रहते हैं फाइटो, तो फाइटो कम है, जू प्लांक्टोन ज्यादा है, इस वजह से आपका सी का बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन एंटीराइनम अ रेड फ्लावर, एक रेड फ्लावर लिया उसको व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करा दिया, रेड इज योर कैपिटल आर, कैपिटल आर, व्हाइट इज योर स्मॉल आर, स्मॉल आर। जब हमने इसको क्रॉस कराया तो मेरे पास क्या बन के आया? कैपिटल आर स्मॉल आर F1 जनरेशन आया, जिसमें पिंक फ्लावर्स आ गए। पिंक फ्लावर्स आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो डोमिनेंट रहा ना रिसेसिव रहा, तो इसका मतलब दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये। फिर ये बोलता है कि हमने इस पिंक फ्लावर को ही सेल्फिंग करा दिया, कैपिटल आर सेल्फिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर का सेल्फिंग कराया, तो कैपिटल आर बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये कैसा बनेगा? ये रेड बनेगा, ये दोनों पिंक बनेंगे एंड दिस वन विल बी व्हाइट। तो क्या रेशियो आया फिनोटाइप का? 1:2:1 आया? नहीं आया। क्या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है? नहीं। फिनोटाइपिक रेशियो वेरी गुड, सही है। पिंक फ्लावर को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज 2। क्लियर सबको? नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब दे आर आस्किंग फॉर अ एम्ब्रियो सेक के बारे में बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो सेक जो कि आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, 3 एंटीपोडाल सेल्स होती हैं, साइड में 2 सिनर्जिड, एक बीच में एग सेल होता है, सेंटर में 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। होता है नहीं होता है? तो देखते हैं, 3 पोलर न्यूक्लियाई नहीं, 3 एंटीपोडाल सेल्स, ऊपर जहां पे एंटीपोडाल सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं चलाजल एंड, और जहां पे एग सेल होता है उसको बोलते हैं हम आपका माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 एग एपरेटस, नहीं, एग एपरेटस ये तीनों सेल्स को मिला के, 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड इज नोन एज एग एपरेटस, इसको हम आपका एग एपरेटस बोलते हैं। 8 सेल नहीं, 7 सेल 8 न्यूक्लियेट होता है, सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। ऑल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्रॉस बिटवीन अ कलर ब्लाइंड फीमेल और ए नॉर्मल मेल, कलर ब्लाइंड फीमेल है तो मतलब वो होगी आपकी एक्सी एक्सी, और नॉर्मल मेल है तो वो हो गया एक्स वाई। देख लेते हैं जरा क्रॉस करा के, एक्सी एक्स एक्स वाई, जिसको ये क्रॉस कराना नहीं आता जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, या फिर आप कमेंट में मुझे बता सकता है, ट्राई की फिर मैं इसके ऊपर भी कोई जेनेटिक्स के ऊपर कोई सेशन लूंगी। ठीक है, ये आपकी एक कैरियर फीमेल बनेगी, ये आपका नॉर्मल मेल बनेगा, ये भी आपकी कैरियर फीमेल बनेगी, और ये आपका इन्फेक्टेड मेल बनेगा। तो इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ प्रोजेनी विल बी कलर, एक भी कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं बनी, सो द आंसर इज 0। क्लियर? चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2? आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम होता है एचएनआरएनए बनवाना। व्हाट इज एचएनआरएनए? एचएनआरएनए इज द हेटरोन्यूक्लियर आरएनए, जो कि बनता है आपका एक्सॉन प्लस इंट्रॉन के मिलने से। फिर इंट्रॉन को जब हम यहाँ पे स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव करा देते हैं, तब हमारे पास बनता है क्या? एमआरएनए, व्हिच इज योर मैसेंजर आरएनए। सो इसका करेक्ट आंसर हुआ HNRNA, जो ये आपका 28 ऐसे, ये आपका RNA polymerase 1 बनवाता है, और आपका SNRNA RNA polymerase 3 के थ्रू पॉलीमराइज किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन 15, पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑड बताना है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स ETS के अंदर चलते हैं क्योंकि उसकी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रोटॉन बोलता है कहाँ से कहाँ मूव करता है?
मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म नहीं, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में मूव करते हैं, दिस इज इनकरेक्ट, यही ओड है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 होता है, ईडीएस इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, एग्जैक्टली ओड वन हमने बता दिया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं मूव करते हैं। क्लियर? 16 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है, एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, ये सब प्रेगनेंसी हार्मोन है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होंगे, ये भी ट्रू है हमारा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलैक्सिन ओवरी जो होता है पेरी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ये भी ट्रू है। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब रिलीज करता है, दिस इज अगेन ट्रू। अब बच्चा क्या है, एक ही बच्चा है उसको देख लेता है, ट्रोफोब्लास्ट कंटेन स्टेम सेल्स, नहीं भाई, जो आपका इनर सेल मास होता है ना वो स्टेम सेल्स, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, जिनके अंदर टोटिपोटेंट सेल्स हम उनको बोलते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं। तो हम फाइनली 16 क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चंस? इट्स नॉट लाइक कि मैम बस ऐसे ही चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंडीशन डायूरेसिस, डायूरेसिस आपको ध्यान रखना है, डायूरेसिस वो होता है जब आपका यूरिन जो होता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होने के केस को बोलता है डायूरेसिस। डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम हार्मोन यूज करते हैं एडीएच, विच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस के अगेंस्ट वर्क करता है, सिंपली याद रखने का काम है। अब जब एडीएच हम यूज कर लेंगे तो डाइल्यूट यूरिन से कैसा यूरिन पास होने लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होने लग जाएगा। क्या प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है? नहीं, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसी को तो डाइल्यूट यूरिन बोलते हैं, दिस इज द करेक्ट यूरिन, नहीं सब टू होगा करेक्ट। क्लियर? 18 क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसके अंदर एल्व्यूलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। तो बताओ खुद, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एक ही डिसऑर्डर था एम्फाइसीमा। एस्थमा को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वीजिंग साउंड आती है इसके अंदर, इन्फ्लामेशन हो जाती है। एडिसन्स डिजीज कब होता है, जब अंडर प्रोडक्शन होता है, किसका अंडर प्रोडक्शन होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल हॉर्मोन्स, और एड्रीनल हॉर्मोन्स में भी कौन सा, कॉर्टिसोल या कॉर्टिकॉइड्स, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी स्केलेटल मसल जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्लियर, जिसकी वजह से फैटीग आता है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस आती है। नेक्स्ट 19 सेलेक्ट द करेक्ट सेट कंटेनिंग ओनली डिप्लॉइड सेल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स है। तो हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये तो डिप्लॉइड है, ऊटिड क्या है, ऊटिड हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉइड है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है और ओगोनिया भी हैप्लॉइड है। सो करेक्ट, ओगोनिया इज डिप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड, क्या बताना था, दोनों डिप्लॉयड होने चाहिए, तो है आंसर आपका थर्ड। देख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट बताओ मेरे को, नहीं है कोई डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको इस पेपर को देख के पता चल रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छे खासे, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। आप खुद देख रहे हो मैं कितना एक्सप्लेन भी करूँ, स्टिल वी आर नॉट टेकिंग दैट मच टाइम, इतना टाइम हम लोगों को नहीं लग रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको पिक करना है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ना। प्लेटलेट कंटेन सर्टेन फैक्टर्स, जो कि ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एग्जैक्टली सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यूज, कुछ फैक्टर जो आपका डैमेज टिश्यू होता है, जिसको इंजरी हुआ है वो भी रिलीज करता है, जो कोएगुलेशन को इनिशिएट कराता है, दिस इज अगेन ट्रू। एक्सेस इन नंबर ऑफ प्लेटलेट, अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट का काउंट बढ़ गया है 3.5 लाख से ऊपर है, तो क्या क्लोटिंग डिसऑर्डर कर सकता है? नहीं भाई, ये एक्सेस नहीं, रिडक्शन है नंबर। अगर प्लेटलेट के नंबर में रिडक्शन आएगा वही तो क्लोटिंग डिसऑर्डर करेगा, तो हमें मिल गया हमारा इनकरेक्ट।
फोर्थ भी देख लेते हैं, फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन किसके थ्रू बनता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, किसके थ्रू, आपका थ्रोम्बिन जो कन्वर्ट कराता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फिर वो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एसर्शन रीजन, वेसिकटॉमी क्या होता है, जिसके अंदर वासा डिफरेंस को हम कट कर देते हैं और उसको वहीं पे टाइप कर दिया जाता है, एक सर्जिकल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्लियर है। सर्जिकल इंटरवेंशन जो कि आपके गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, देयर बाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन को भी ये प्रिवेंट कर देता है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज वन, डन। नेक्स्ट 22, 1988, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी जिन्होंने दो डीएनए सीक्वेंस बनाया था और क्या बनाया, ह्यूमन इंसुलिन की चेन, तो उस चेन को किसके अंदर ट्रांसफर उन्होंने यूज किया था, किसको, हमारे इकोलाई को यूज किया था, देख लेते हैं, सेल्मोनेला टाइफाई नहीं है तो टाइफाइड, एक्वस थर्मेटिकस नो, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशन नहीं, इन्होंने इस्चीरिया कोलाई को यूज किया था, क्लियर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 23, आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ होलो विसरल, आपकी इंटरनल जो बॉडी लाइनिंग्स होती है उसमें क्या होता है, आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होती इनका मूवमेंट, यस दिस इज स्मूथ मसल जो कि आपके होलो विसरल ऑर्गन्स के थ्रू लाइंड अप होती है, क्लियर। 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्टली एक्सप्लेन, प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक कराए जाते हैं, इनुलिन क्या है, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, दिस इज अगेन ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, स्टार्च जो होता है वो अपने अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल को इजिली होल्ड कर लेता है, इसीलिए वो आपका क्या आयोडीन टेस्ट देता है, आयोडीन को हम यूज करें आयोडीन सोल्यूशन में स्टार्च डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, दिस इज अगेन ट्रू। शुगर फाउंड इन पोली न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज राइबोज, नहीं, अगर हम डीएनए लेंगे तो उसके अंदर राइबोज नहीं, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, तो ये तो इनकरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना, फोर्थ इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 25, इफ द चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी, अगर किसी भी पॉपुलेशन की एलील फ्रिक्वेंसी में चेंज आया, बाय चांस चेंज आया है, तो मतलब बाय चांस कोई नया इंडिविजुअल आके वहां पे रहने लग गया, उसने पूरा अपना फाउंडेशन बना लिया वहां पे, विच इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट, तो फाउंडर इफेक्ट में क्या आता है आपका, ऑब्वियसली जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सो द करेक्ट आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से पूरी जीन पूल वहां का डिस्टर्ब हो जाएगा। 26, who make decision regarding the valid GM, आपने जो genetically modified research की है उसको आपकी validity, उसको safety, ये सब चीजें कौन measure करता है, आपका GEAC measure करता है, what is the full form of GEAC, find करना जरा कौन सा correct answer होगा, जल्दी से बताओ सब, everyone hurry up, genetically engineering अप्रूवल कमेटी जो अप्रूव करके देता है, प्रेजेंट अप्रूवल कमेटी है ये, इट्स नॉट अ कंपनी, कमेटी है बहुत सारे लोगों की, ठीक है याद रखना। 27, सेलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू पीटीएच इज योर पैराथ हार्मोन, जो कि किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, एंड इसका फंक्शन होता है क्या करना, इंक्रीज करना कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना है, ब्लड के अंदर कैल्शियम कहीं ना कहीं से उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, बोन से उठा के ब्लड में डालेगा, तो मतलब बोन्स की क्या कराएगा, वीकनिंग कराएगा, बोन्स का रिजॉर्प्शन कराएगा, डीमिनरलाइजेशन कराएगा, आप जो फूड में कैल्शियम खा रहे हो उसको बोलेगा फटाफट ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब करो, आपकी जो रिनल ट्यूब है वहां से बोलेगा सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि कैसे ना कैसे करके इसको ब्लड में डिप करना है ज्यादा ज्यादा कैल्शियम, तो कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ट्रू, मिनरलाइजेशन नहीं भाई डीमिनरलाइजेशन कराता है, यही ओड वन हो गया, कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ट्रू, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन बाय रीनल, ट्रू, सारे सही है एक्सेप्ट द टू सेकंड वन, डन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू
रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ANF एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा पाए। रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, 2 को 1 में नहीं करता। दिस इज फॉल्स। एरिथ्रोपोएटिन वासा रेक्टा से प्रोड्यूस होता है, नहीं भाई ये आपका, दिस इज योर फॉल्स। व्हेन अ नॉर्मल पर्सन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जो बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायूरेसिस होने लगेगा। तो क्या वो ADHD के रिलीज को सप्रेस करेगा? नहीं करेगा, वो सप्रेस उसको इंक्रीज कराएगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, करेक्ट इज वन ओनली, ANF वैसे कॉन्स्ट्रक्टर है। नेक्स्ट 29, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी बर्स्ट हो गया और उसके अंदर से केमिकल निकल रहा है विच इज हीमोजाइन, जो कि चिलनेस लेके आता है बॉडी के अंदर, हाई फीवर आता है विद चिल। ये किसका सिम्टम है, ऑब्वियसली आपकी मलेरिया का, दिस इज मलेरिया, ह्यूमन हेल्थ डिजीज का क्वेश्चन। 30, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे पिक करना है। RDNA टेक्नोलॉजी सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ऑब्वियसली जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हम डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये हमारा ट्रू है। RTD मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से आपका PID, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर कुछ भी हो सकता है। RTI मतलब आपका STD के जैसा ही है। हेपेटाइटिस बी और HIV आपका इन्फेक्टेड निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है, एग्जैक्टली फैल सकते, ट्रू है। तो बचा क्या, एक ही इनकरेक्ट, देख लेते हैं इसमें क्या लिखता है। मेच्योर इंसुलिन, क्या मेच्योर में 3 होते हैं, नहीं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक हमारे टॉप 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। अब इसको देखने के बाद यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा बस टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ज़्यादा डीप थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है। तो इट मीन्स आप लोगों का कंफ्यूजन क्या निकलता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ NCERT अच्छे से पढ़ के चलनी है। बहुत अच्छे से NCERT कर लो, 11th एंड 12th का आपको पता है चैप्टर ही इतने सारे हैं, क्वेश्चन सिर्फ 30 आएंगे, एक चैप्टर से एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो आएंगे हर एक चैप्टर के बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स आएंगे। सो हियर यू नीड अ प्रॉपर, एक टीचर की आप लोगों को रिक्वायरमेंट, एक प्रॉपर गाइड की आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको बताए कि इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू वांट कि बायो के लिए भी मैं आप लोगों को कोई ऐसी सीरीज दूँ उसकी हर एक चैप्टर में से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ ताकि आप वही पढ़ ले। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक कोई पढ़ाई नहीं किया, जो अभी सो के उठे हैं जस्ट। हमारे वो बच्चे जो एक साल से पढ़ रहे हैं, जो 11th से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली अपना सारा सिलेबस ही प्रिपेयर करके चल रहे होंगे, क्योंकि उनका साइड बाय साइड टारगेट नीट एग्जाम भी होगा। लेकिन वो बच्चे जिनको लगता है कि मैम हमने अब तक कोई पढ़ाई नहीं किया, जस्ट हमें हेल्प कर दो कि हाँ मैम हम लोगों को पास होना है, हम लोगों को एक अच्छा स्कोर लेके आना है एम्स नर्सिंग में। एम्स नर्सिंग का एग्जाम ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं, 3 महीने में भी एम्स नर्सिंग क्रैक किया जा सकता है। इफ़ यू वांट कि हाउ टू क्रैक एम्स नर्सिंग इन 3 मंथ्स, इफ़ यू वांट दिस वीडियो देन जस्ट आप लोग मेरे को कमेंट करो, बहुत सारी कमेंट्स करो, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई बच्चों को जेन्युइनली वीडियो चाहिए, देन आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट पार्ट। एंड इफ़ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगे कि हाँ हमारे लिए वर्थ इट था मैम को इतना 40 मिनट्स देना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सेम चैनल पे मिलने वाली हैं। एंड डोंट फॉरगेट, गिव अवे आज से स्टार्ट हो रहा है, संडे तक चलने वाला है। जो स्टूडेंट जिस सबसे ज़्यादा टैग करेगा, सबसे ज़्यादा उसकी स्टोरीज हाईलाइट्स होंगी, उसी स्टूडेंट को वो बुक्स मिलेंगी। एंड नेक्स्ट संडे मैं डिस्पैच करा दूंगी वो बुक्स उस स्टूडेंट के लिए, एंड विद एन अनाउंसमेंट भी मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ही करूंगी, एज वेल एज मैं अपने संडे की नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम मिलेंगे बायोलॉजी मॉक टेस्ट 2 में, जिसमें हम अगेन टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सो बाय बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड बोर्ड एग्जाम्स पे भी अपना साथ साथ फोकस बना के रखो। बाय बाय।